नवराम प्रजापति, मेरे पंचायत समिति धनाऊ मीठी नाडी का रहने वाला है और सैनिक सेवा में उधमपुर के बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी कर रहा था। उसी समय उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया और वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते हुए उनकी डेथ हो गई। आज उनका पार्थिव देह आ रहा है। मैं सबसे पहले तो पार्थिव देह को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और साथ साथ में मांग भी करता हूँ कि मेडिकल साइंस और मेडिकल वहाँ अस्पताल के अंदर उनकी डेथ हुई, फिर भी जहाँ जिस समय ड्यूटी कर रहा था वो मिलिट्री की ड्यूटी कर रहा था, बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी कर रहा था, और जब भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता तो हॉस्पिटल के अलावा तो कहाँ लेकर जाए। तो मेरी मांग है कि हमारे डाऊ प्रजापति को शहीद का दर्जा दिया जाए और मैं राजनाथ सिंह जी से भी बात करूँगा, मैंने लेटर भी लिखा है और उस अधिकारी है उनसे भी मैंने रात से बात कर रहा हूँ, उनका भी पॉजिटिव है, जो भी बात हुई मेरी उन सब ने पॉजिटिव ही उनके रुख है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे डाऊ प्रजापति को शहीद का दर्जा मिले। एक बात ये भी सामने आ रही है कि डीएनके के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान तबीयत बिगड़ी। डीएनके के अंदर ट्रेनिंग करते, इससे पहले इन्होंने मिलिट्री की दौड़ है मैराथन उसके अंदर गोल्ड मेडल ये प्राप्त किया इसने, और फिर ड्यूटी करते हुए इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और हॉस्पिटल के अंदर ही उनकी डेथ। आज अपना प्राण न्योछावर किया है और उसकी बॉडी आ रही है। सेना की सेना के जो नियम होते हैं उस नियम के तहत कोई रिहर्सल कार्यक्रम या रिहर्सल की गतिविधियां किसी भी युद्ध या रिहर्सल में अगर कोई घायल होता है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसके प्राण चले जाते हैं या वहाँ घायल होने से प्राण चले जाते हैं, चाहे ऑन स्पॉट हो या चाहे बाद में हॉस्पिटल में हो, लेकिन इस प्रकार की रिहर्सल की गतिविधियाँ शहीद की श्रेणी में आती है। और मैं और हमारा समस्त कुम्हार प्रजापत समाज इस बात का आग्रह करता हूँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, हमारे विधायक महोदय आदूराम जी से और सरकार राजस्थान सरकार से, भजनलाल जी सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से कि इस घटना की सही जांच करा करके सही बात का पता जैसे हुआ है रिहर्सल में जो शहीद हुआ है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, वही सम्मान दिया जाए ताकि सैनिकों का और समाज का उस वर्ग का जहां से गरीब लोगों के घर से बच्चे सेना में जाते हैं उनका भी हौसला अफजाई हो। इस बात के लिए मेरा विनम्र आग्रह है।